यूनिकॉर्न जी, स्वागत है। हाँ हाँ जी बोलिए सर, नमस्ते। माइक अनम्यूट कर लें। यूनिकॉर्न जी, माइक अनम्यूट कर लें। हाँ हाँ जी सर। सर जी, बताएं सर। मैं अभी 5-7 दिन से आप लोगों की स्ट्रीम देखना शुरू किया है मैंने, साइंस जर्नी की और आपकी। तो मैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आप लोगों को लेके, तो मुझे लगता है कि आप लोग कास्टिज्म के अगेंस्ट में बात करते हैं और नहीं चाहते कि वो चीज चले। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि मतलब आप जो कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि इस डायरेक्शन से वो चीज पहुंच सकती है वहां तक? क्योंकि मेरे हिसाब से तो आप आपस में भड़काने का काम ज्यादा कर रहे हैं और वो चीज पे फोकस नहीं है इतना। अच्छा, हम लोग आपस में भड़का रहे किसको हैं। भड़का रहे हैं? मतलब वही कि ST SC OBC कैटेगरी को, जनरल के अगेंस्ट और ये सब क्या भड़का रहे हैं हम उनको? क्या बता रहे हैं कि मतलब आप, पहली बात तो आप एक तो ब्लैंकेट ब्लैंकेट क्लेम लगा रहे हैं कि सारे जनरल एक तो ऐसा करते हैं। स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है कि कोई एक कैसा सेक्शन करते ऐसा हैं, कर, कैसा मतलब कैसा? जो ऑपरे जो जो शोषण वगैरह आप बता रहे हैं ST SC OBC का हुआ है, उसके बारे में आप सबको इंक्लूड करके बोल रहे हैं कि भैया जनरल तो सारे ही खराब हैं और ये और वो, मतलब उन्होंने तो आपके ऐसा साथ ऐसा कर ऐसा एक दिया। आध स्टेटमेंट हमारा हमने कभी बताया है कि जितने जनरल हैं सब खराब हैं, वो तो आपको ऐसा कर रहे हैं? सुना है नहीं तो कभी आपने? आज आपने स्पेसिफिकली किसी को ये भी नहीं बोला कि जनरल वैसे अच्छे होते हैं, बोला लेकिन है। कुछ लोग कुछ एक लोग मिनट उसमें एक मिनट खराब डॉक्टर होते हैं। साहब, नहीं, एक मिनट रुकिए ना। हमने ना किसी को अच्छा बोला ना किसी को खराब बोला। हमने तो ब्राह्मण धर्म की जो बुराइयां हैं वो बताई है। और भाई जातिवाद तो है ना ब्राह्मण धर्म में। तो भाई मेरा तो ऐसे बोलना है कि जो ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य क्यों बने फिर रहे हैं? सब छोड़े ब्राह्मण धर्म को, क्यों नहीं, जबरदस्ती ये सड़ा गला धर्म को उठा के घूम रहे हैं सब लोग? मैं तो ये बोल रहा हूं ना, नहीं मतलब ये नहीं नहीं धर्म में वो क्या है? अच्छा एक बात बताओ सर, अभी हमने हाँ जेम्स वेब की पूरी एक बात करी, ठीक है? इसमें कहीं पे हाँ भी जातिवाद की आज बात नहीं हुई है ना। हाँ आप सोचो हाँ विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया, और ये ब्राह्मण धर्म हाँ इतना सड़ा गला है। हाँ, इसमें कुछ हाँ भी गप सप इधर उधर मार दी गई है ना, मतलब औरतों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, फिर इतनी अश्लील सब बातें भरी पड़ी, तो यार क्यों मानना है इसको? तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जो ब्राह्मण लोग है ना वो भी सब एक्स ब्राह्मीन बन जाओ, सबसे बेस्ट तरीका है। सर तो वैश्य लोग ये भी छोड़ तो दो अपना धर्म को, ये क्या है ये फालतू चीजों को ढोना, सर छोड़ दो कैसे, सब। मतलब क्या आपको बुरा लग रहा है मेरे को ये तो बताओ। या तो आप किसी चीज को गलत वे में देख रहे हो, या आप, क्योंकि कमी निकालना चाहोगे तो आप किसी में भी कमी निकाल दोगे, पर ताजमहल में भी निकाल दोगे। तो आप सिर्फ धर्म कहीं एक पे ही फोकस, आउटडेटेड सिस्टम है, उससे बाहर डॉक्टर निकलो। साहब एक मिनट। नहीं, बाहर निकल हाँ के क्या मिल जाएगा सर, ये बता देना आप मेरे को जरा। आप ये बोल रहे हो कि कुछ बुरा नहीं है इसमें तो। नहीं, अगर आपको, अगर आपका देखने का तरीका पॉजिटिव है तो कुछ बुरा नहीं है, और नेगेटिव है तो फिर तो एक बुरा ही मिनट, बुरा। स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी, भैया स्क्रीन शेयर कर दो। मनीष प्रधान सर भी हैं हमारे साथ। मनीष प्रधान सर मनीष सर अभी रहे आप हैं। रुको सर, अभी आप रुको नहीं यार, नहीं सर, मैं प्लीज रुका सर हुआ हूँ सर, प्लीज। डोंट डोंट वरी सर, हाँ, रुका हूँ। पंजाबी ये का देखो भी भी सर भाई इस्तेमाल किया नहीं, जाएगा। नहीं भाई पहले मेरे को नहीं पढ़ लेने दो। देखो सर, ये कामाख्या तंत्र है, कामाख्या मंदिर आप जानते हो ना, हाँ जी सर। बहुत फेमस मंदिर है, कई लाखों करोड़ों लोग वहां पे जाते हैं अपनी श्रद्धा वहां पे, वो लोग देते हैं भाई, है ना। चलिए देखते हैं कामाख्या तंत्रम क्या है। राधेश्याम चतुर्वेदी ने लिखा है, ब्राह्मण देवता ने, ठीक है। चलिए सुनिए भाई, कामाख्या तंत्रम होता क्या चीज है ना। हे कुलेश्वरी, समझे, कामाख्या जी कहा जा रहा है, हे कुलेश्वरी, योनि चक्र में विहित पूजा देवी के लिए महाप्रीतिकारी है। योनि समझते हो ना आप, यह योनि जी पूजा ही महापूजा है, उसके समान अन्य कोई पूजा सिद्धि प्रदा नहीं है। बुद्धिमान साधक उस योनि में देवी की पूजा करे, वह योनि ही देवी है और दूसरी कोई देवी नहीं है। हे देवी, वहां वाहन आदि कर्म नहीं है, साधक को चाहिए उस योनि का सुगंध आदि से लेप करे। यूडिकॉन जी सुनिए, जी हाँ जी जब आप सुगंध से लेप करेंगे ना योनि का, तो कामाख्या देवी प्रसन्न होंगी, विविध प्रकार से पूजा करें, इससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक तत्क्षण
सिद्ध हो जाता है। अगर आपको सिद्ध होना होगा तो योनि का सुगंध से लेप करे। मेरे ज्ञान में योनि पूजा जैसी कोई पूजा ही नहीं है। साधका दीस व्यक्ति योनि के चुंबन चाटने दर्शन स्पर्शन से कल्प वृक्ष को भी पार कर जाता है, वह सबको मुग्ध कर देता है। लिंग योनि का यह समाख्यान कामाख्या की प्रीति को बढ़ाता है, वही उस कामाख्या का जीवन है। हे गिरजे, कहाँ तक कहा जाए, इस कारण सब प्रयास कर, योनि पूजा करनी चाहिए। आगे लेके चलता हूं आपको चिकुर चिकुर में आज। सुनो, आगे जो नीच व्यक्ति योनि की निंदा या उससे घृणा करता है, हे देवी, शिव की आज्ञा से वह सीधा ही रौरव नरक में जाता है। यूडिकॉन जी, जी ये जो योनि, इसकी कभी आपने बुराई उराई तो नहीं करी ना, निंदा वगैरह तो नहीं 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 करी ना योनि नहीं की? नहीं नहीं, नहीं कभी नहीं नहीं करना नहीं सर, रौरव नरक में जाओगे। ये सत्य है। कामाख्या देवी कहाँ रहती, चलो बताओ, पता है आपको? नहीं योनि के मध्य में रहती है, और काम योनि के चारों ओर उगे हुए चिकुर चिकुर में योगिनी रहती है। आहा, त्रिकोण में शिव विष्णु और ब्रह्मा रहते हैं। आहा, इसलिए यदि अपना कल्याण चाहता है साधक तो योनि की निंदा ना करे। योनि की निंदा करने वाला पूर्णता नष्ट हो जाता है, और हे देवी, योनि की प्रशंसा करने वाला तत्क्षण शिव हो जाता है। मैं योनि के महात्मय और योनि पूजा के फल में क्या कहूं, चंचलता के कारण थोड़ा सा कह दूं, हे कामरूपणी क्षमा करो। क्या लिखा है आपके हिंदू धर्म में, ये देखो भाई, कामाख्या तंत्र है, क्या है बताओ जी भाई? सर, ये बस क्योंकि एक इंसान का जन्म जो है योनि में से होता है, तो उसको रिस्पेक्ट देने की बात की गई है इसमें। अच्छा, अब तो आप उसके मजे ले योनि लेके के तो उसको जो कुछ भी बता दो। अच्छा तो योनि के इर्द गिर्द जो चिकुर चिकुर होता है, चिकुर चिकुर मतलब होता है जो प्यूबिक हेयर है ना, कर्ली, उसको कह रहे हैं भाई, प्यूबिक हेयर हाँ को चिकुर चिकुर है। तो हाँ योनि के इर्द गिर्द जो चिकुर चिकुर होता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं क्या? सर, ये मानने वालों की बातें हैं। अब इसमें मैं क्यों कोई यार अपना आपके कमेंट कामाख्या दूं? तंत्र में लिखा है ना, हाँ तो लिखा है ना, तो मैं डिनाई थोड़ी कर रहा हूँ उस चीज से। लेकिन अब मैंने तो कहा आपको ये फिर कि क्यों लिखा मजाक तो है? आप किसी भी चीज का बना दो। नहीं, लिखा है, अच्छा, ये नॉलेज देने के लिए लिखा है। आपको आपको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म हाँ में कौन सी चीजें हाँ अच्छी लगी वो आप बता दीजिए। सारी चीजें अच्छी लगी, रामायण हाँ, वगैरह आपको चार सब पसंद। पांच नहीं, चार पांच आपने जो ये धर्म कायम रखने के लिए कोई ठोस पांच छह अच्छी चीजें बता दीजिए। सर जैसे कि इंसानियत की बात है, जिसमें कि मतलब जानवरों के काटना पीटना ये सब मना है, कई लोग कर रहे हैं, अच्छा, बलि किसमें वली दे रहे हैं उन्होंने अपने। हाँ, और दूसरी लिखा है ये, चीज, किसमें लिखा है ये? ये सर लिखा है वेद में, लिखा है ये। वेदों में तो पूरा का पूरा नर्मे यज्ञ से लेके अश्वमेध से कौन कौन से बलि दिए जाते हैं, गाय से लेके, बछड़े से लेके, अच्छा, बैल से ये लेके, नहीं, उसने ये भी सब लिखा है है। कि अरे एक मिनट, सब अरे ये भैया सुनो ना यार, छोड़ो ये हाँ सब, हाँ ये हाँ भगवान शंकर की पूजा करते हो, जी करते हैं, कैसे करते शिवलिंग की पूजा हो? करते हो, शिवलिंग की जी पूजा करते हो, जी जी भगवान शंकर अच्छे लगते हैं आपको? जी अच्छा, हाँ आज रिस्पेक्ट भैया करते मेरा हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं, भैया भैया स्क्रीन शेयर कर दीजिए। कौन आ रहा है? आड़ी आ आजाद रहा है भैया, भैया जी, जी सर, आपको नहीं भाई, मेरा भैया आजाद भैया को बोल रहा था मैं, रुक जाओ यार। चलो भाई, भगवान शंकर के कुछ चीजों को बता दूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भागवत पुराण से पढ़ने जा रहा हूं। बच्चों अपने कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, क्योंकि जो होने वाला है वो ठीक नहीं है। देखो, सती अनसुईया से व्याभिचार की चेष्टा व लिंग पूजा का शिव को श्राप, ये कहानी आती है भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 4 अध्याय 17 में। यूडिकॉन जी के जो फेवरेट देवता है भगवान शंकर, कभी अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे, और घोर तप करते हुए ब्रह्मा के ध्यान में मगन रहते थे। वहां पे ब्रह्मा विष्णु महादेव नॉटी बॉयज अपनी अपनी सवारियों में बैठ के पहुंचे, और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। क्या बोले? उनकी बातों को सुन के मुनि ने कोई उत्तर ना दिया, और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे। भगवान शंकर आपके फेवरेट, लिंग अपनी उपस्थिति यानी हाथ में धारण किए हुए, महादेव जी
स्वयं रुद्र महादेव जी विष्णु जी उसमें रस को बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ब्रह्मलोप ज्ञान का करते हुए मोहित होकर अर्थात उसके वश में आ गए, आसक्त हो गए और बोले, रति देही मदा घूरने, हे मस्ता खोवाली, हमें अपने साथ रति करने दे 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 तू, वरना हम प्राण छोड़ देंगे, तेरे सिर पे हत्या देते हैं। पतिव्रता अनुसुईया उनके इन अशुभ वचनों को सुन के कुछ न बोली। पूछी, क्या बोले तुम लोग नॉटी बॉयज? तो नॉटी बॉयज बोले, रति देही मदा घूरने। और तीनों के प्रति बात को सुनते ही अनसुईया बहुत क्रोधित हुई और काम से मोहित हुए उन देवताओं ने गृहित ताम ताम बलात् तदा उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। महादेव जी की माया से भी मोहित होकर वे जबरदस्ती मैथुन यानी डिंग डॉंग करने की चेष्टा करने लगे। तब क्रोधित होकर मुनि प्रिया अनुसुईया ने श्राप दिया कि महादेव, तुम्हारी लिंग ब्रह्मा का ये बड़ा सिर और विष्णु के चरण सदैव पूजे जाएंगे। आहा, जय भोलेनाथ। यूडिकॉन जी, कैसा जी सर, लगा कुछ कैसा भी नहीं लगा, नॉर्मल लगा। यार, किसी नहीं, औरत को इनको बोल कुछ रहे हो नॉर्मल मेरे लगा, साथ सेक्स करने दे, सेक्स नॉर्मल करने है दे सर। यार वो बोल उनकी, नहीं वो नहीं तो वो पति के आप अपनी सामने। बात, सर एक जना बात करो पहले तो, मैं बोलूं तो चाह इधर से वो, इधर से वो, ऐसे तो जवाब ही नहीं दे पाऊंगा मैं, है ना। अच्छा तो बोलो, मैं हाँ ये, बताओ। हाँ तो ये चीजें उन्होंने की हैं, उन्होंने क्या सोच के की हैं, क्या नहीं सोच के की हैं, वो आप अगर ये सोच रहे हो कि जितने भी लोग अब हम सब हैं, हम अपना डीएनए टेस्ट तो करा के यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो भी हो वो अपना डीएनए टेस्ट तो करा के बैठे नहीं है, पर अपने बाप को बाप बोले जा रहे हैं ना 25-30 सालों से, उसका एविडेंस तो कभी, क्या उसका एविडेंस तो बात कभी बोली मांगा नहीं। आपने, और मतलब अब भगवान शंकर किसी, भगवान शंकर किसी मैरिड वुमन के सामने जाके बोल रहे, दे 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 नहीं, मैं दे, ये नहीं कह रहा हूँ ये सर, कौन बात सा तो सुनो लॉजिक आप। है भाई, ये सर अरे लॉजिक लॉजिक क्या, क्या एविडेंस तो है ही नहीं ना सर, आज इतने टाइम से बाप बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं वो बायोलॉजिकल फादर है या नहीं है, यार, डीएनए ये टेस्ट तो कौन कराया सी नहीं, बात है, क्यों भागवत मिल में रहा है, अपनी माँ के, क्यों। माँ पे डाउट कर रहे हैं ना आप। नहीं, अरे भैया ये डाउट नहीं कर एविडेंस, रहा हूं मैं, बिलीफ की बात कर रहा हूँ सर, बिलीफ की मेरे बात कर रहा हूँ। भाई अब उन्होंने क्यों यूनिकॉर्न किया, क्या भाई, सोच के इसका किया, क्या या आप मतलब क्यों है, क्या सोच के मैं किया, सर मतलब बोलने भाई तो वो देना, कामुक हो गए ना, उसमें लिखा है एक मिनट, कामुक हो गए, वो आसक्त हो गए, आप बोलने नहीं दे रहे सर, अनसुईया को बोलने जब नहीं दे रहे देखे हैं। ना, अरे पर लॉजिक सुनो, का कौन आपने सा इतना, हाँ तो आपको मेरे भाई पूरी बात बोलूंगा तो लॉजिक मालवी, आएगा ना, इन्होंने इतना पूरा पढ़ाया, मैं कुछ बीच में बोला ही नहीं, आप बोले जा रहे बार बार, मेरे को बात तो कंप्लीट डॉक्टर करने साहब देना। बोलने दो उनको, हाँ अब बोलो, हम आज इतने आप बड़े जल्दी अपने ब्रह्मांड स्पीच खत्म में, कर दो। हम इतने बड़े ब्रह्मांड में छोटे से चींटी के समान वो हैं, वो ब्रह्मांड चला रहे हैं, आपने हाँ ये क्यों मान लिया कि आप उनके लॉजिक समझ जाओगे, आपने क्यों सोच लिया ब्रह्मांड, ये? ये तो एक बहुत मिनट बड़ा रुक जाओ, रुक डिप्रोशन जाओ की है भाई ये तो। यार आप यहाँ इसलिए जिंदा चला रहे रहते थे वो को, ब्रह्मांड, अरे भाई आप रीजन जिंदा रहते, रीजन एक एक मिनट, मिनट, रीजन बता दे रहा हूं भाई, ये देखो हाँ लिखा है भविष्य पुराण में सीधा सीधा कि उससे श्रेष्ठ वचन बोले, उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे, समझे, लिंग अपनी, ये देखो संस्कृत के शब्द लिखे, लिंग अपनी उपस्थिति को हस्त यानी हाथ में धारण किए हुए स्वयं रुद्र महादेव जी विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होके अर्थात उसके वश में हो गए, इसलिए बोले दे दे प्यार दे, समझे, इसलिए बोले, अब समझे। अरे सर मैं और ये कह रहा हूं आपको, वो भगवान की बातें हैं, आप इंसानी लॉजिक उसमें क्यों फिट करने की कोशिश कर रहे हो? तो यार भगवान ऐसा अरे क्यों वाह, बोले, ये आपके सिर्फ समझा भगवान उन्होंने में ऐसे, भगवान को क्या है जब वो यार, ही ऐसा करेंगे यार, फिर आपके जो उस उन भगवान को मानने वाले लोग हैं उनके, उनमें तो वो कोई कर रहा है क्या क्या ऐसा मैसेज सर? जाएगा? नहीं, कोई कोई अच्छा नहीं, ठीक अगर है, मैसेज, एक मिनट, कहीं आपने सुन लिया कि लक्ष्मण जी से किसी ने इंस्पायर होकर किसी के लड़की के नाक कान काट दिए? अरे क्या बातें कर यार रहे हो आप? शंकर जी का बताओ ना अच्छा भाई, अच्छा नहीं, हाँ मैं भी तो यार इनसे पूछ एक रहा मिनट हूं। भाई, अरे शंकर जी पे अरे रहो, शंकर जी ऐसा क्यों कि इस पे रहो हाँ बस। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि क्या मैसेज जाएगा, तो मैसेज वो वाला ले कौन रहा है? वो मैसेज को अपनी लाइफ में थोड़ी अरे उतारने की बात हो रही है मेरे भाई। और अगर अगर अरे ये भाई, मैसेज, और अगर ये खबर दिखा दी नाक कान काटने वाली, फिर थूक के चाटोगे यहाँ पर? तो 10 लाख में तो नहीं, 10 लाख में तो एक खबर हर चीज की मिल नहीं जाएगी नहीं फिर आपको। ये नहीं, फिर ये बात कैसे कही कि दही किसी ने चेंज काटे, किया है। किसी का मतलब क्या अरे होता अरे, तो यार, कोई मतलब मानसिक कुछ रूप तो से कॉमन विकृत, सेंस अरे रखो ज्यादातर लोग, इसका मतलब ये होता है ज्यादातर लोग कर रहे हैं क्या, ये मतलब होता है यार, इस बात का? सुनो ना भाई, मेरे को सिर्फ ये क्या बताओ, क्या अगर वो है आपका भगवान है, ज्यादातर यार, एक भी किया तो ऐसा, फिर वो भगवान कहाँ है आपका यार, मेन वो उसकी बात हो रही है, आपका वो आपके यूनिवर्स चलाने की बात कर रहे हो उससे, हाँ, हाँ मतलब जो तो यूनिवर्स वो चला इस रहा तरीके है के वो, उपेन्द्रिय अच्छा में एक अपना मिनट सुनो, लिंग लेके घूम रहा है वो।
आजाद अरे वो क्या? पहली बात तो देखो, इतना पुराना धर्म है, टेक्स्ट ऊपर नीचे चेंजेस होते रहते हैं, ये कई लोग अपने हिसाब से लिख देते हैं, कई लोग किस हिसाब से लिखते हैं भाई। एक बात यार तो रहो कि आपका सब कुछ सही है क्या गलत है, बीच में बोलते हो गलत भी हो जाता, बीच में बोलते हो सही भी हो जाता। नहीं मिक्स है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, मैंने कब बोल दिया गलत सही है 100%। यार नहीं भाई मेरी बात सुनो थोड़ा सा भाई, ये जो पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं ना थोड़ा, हाँ जी हाँ जी, वाह मतलब पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं ना शंकर जी। हाँ नहीं तीन ब्रह्म ब्रह्म शक्ति है वो चला रही है, शंकर जी क्या कर रहे हैं यार, फेंकते रहो यार, वो डिस्ट्रॉयर है, वो डिस्ट्रॉयर है मतलब कुछ। अरे सर अब आप एथिस्ट बन चुके तो आपको तो हर चीज ही फेंकना ही लगेगा ना, उसमें कोई गलत बात थोड़ी है यार। एक मिनट यार, फेंक ही तो रहे हो। अच्छा सुनो भैया, यूडी कौन भैया सुनो, शंकर जी जो पूरे डिस्ट्रॉयर है, उसने एक और आदमी को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था भैया सुनो। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया, हिरण्याक्ष को वराह का अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला, उसके बाद अंधक को गद्दी मिली, अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ, शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए, ये कथा कहाँ आई है? शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में ये कथा विस्तार से दी गई। आगे का कहा सुनो, बहुत दुख होता है भाई, अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आडी ने शिव जी से अपने पिता के मृत्यु करने का बदला लिया। कौन है शिव जी? जो पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं ना। एक दिन वह शिव जी के यहाँ गया, शिव जी वहां थे नहीं, कहाँ गए थे? ब्रह्मांड चलाने गए थे। पार्वती वहां पे थी नहीं, वो कहाँ थी? वो भी ब्रह्मांड चलाने गई थी। उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिव जी को पता चल गया ये पार्वती नहीं है वरन दैत्य पुत्र आडी है। तभी शिव जी, ये सर मैं जानता हूँ, उन्होंने करके सेक्स करके मार दिया, मुझे पता है भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट यार, जस्टिस फॉर आडी कितने गंदे तरीके से मार रहे। तभी शिव जी ने अपने लिंग पे वज्र रख के उसको संभोग यानी अप्राकृतिक व्याभिचार करके, जिसे गुदा मैथुन भी कहते, कर दिया। इससे पता चलता है कि बाबा भी अपने पोते के साथ गुदा मैथुन करता है। ये कहानी आई है सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155। ये तुम्हारे ब्रह्मांड चलाने वाले हैं यार, हाँ पिछवाड़े में ठोक दिए उसको। आप उसको अरे यार त्रिशूल से त्रिशूल से मार देते। आप देवताओं की बातें नहीं समझोगे। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, पहले उनकी लेवल ही अलग है। हाँ तो लेवल अलग ही है। जस्टिस फॉर आरडी सर, मैं क्यों बोलूँ जस्टिस फॉर आरडी? मेरे को क्या पता कि इसने सही किया था या ये जो लिखा है ये पूरा सिनेरियो है। अच्छा एक मिनट रुको, एक और सिनेरियो बता रहा हूँ ना शंकर जी का ही सिनेरियो। सर आप 50 बता सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, आप बोलते जाओ, मैं आपको डिटेल में मैं बताते जाऊंगा, लेकिन ये दिखा के आप करना क्या चाह रहे हो मेरे को ये तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये दिखाना चाह रहे हैं ना, क्या दिखाना चाह रहे हैं? खुद ही बोल रहा हूँ पटेला मेरे सारे की मैंने। हाँ तो मेरे को पता है ना, दिखाओ उसको जो जानता नहीं हो, मैं तो पूछो मैं वैसे ही बता देता हूँ ना। अच्छा अच्छा, ये वाला जानते हो क्या? हाँ ये वाला बता देना भाई। एक बार शिव जी ने दावत दी था, उपरांत दावत अपने समय पे समाप्त हो गई, उसके बाद वहां शिव दूती आई, उसके वहां आने में थोड़ी देर हो गई थी, इधर शिव जी की भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई, तो उन्होंने शिव दूती को आदेश दिया। ये कहानी आ रही पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में। हे महाभागे, अन्यों ने जिसका स्वाद नहीं लिया भोजन के लिए, वह मैं तुम्हें देता हूं। आजा आजा आजा, मेरी नाभि के नीचे जो दो गोल फल के समान आलंब सहित अर्थात उपेन्द्रीय सहित ये दो वृषण अर्थात अंडकोष हैं, इसको खा जाओ, इस भोज्य वस्तु से तुम्हारी पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। तो शिव जी अपना अंडकोष क्यों खिलाए शिवदूती को? सर ये वही जाने, वो मैं उनके लेवल का नहीं हूँ ना, मैं उनकी बात समझ सकता हूँ ना। हिंदू धर्म की अच्छी बातें बता दीजिए बस प्लीज। अभी बोली अभी सर, इनको ये पता है कि वो यूनिवर्स चलाते हैं, ये पता चल गया, लेकिन ये क्यों गिला, ये क्यों नहीं पता भाई? ये कौन जाने यूनिवर्स का, आपको पता चल गया, ये कौन जाने का भाई? इसका भी जवाब दे दूं जो ब्रह्मांड। अरे मैं क्यों जवाब दे दूं यार, मैं क्यों जवाब दे दूं? मैंने कहा था कि मैं उनकी सारी यूनिवर्स की बात जानता हूं। आपसे यूडी कौन, यूनिवर्स का किसने पूछा? यूडी कौन, ये तो मैंने जो जितना मैं जानता हूं उतना बता रहा हूं ना। अब आप ऐसी चीजों का जवाब मांग रहे हो जो, जब इतना बड़ा, अरे भाई आप इतना बड़ा सवाल जान लिए कि वो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, अंडकोश खिलाए, ये क्यों नहीं भाई जान पाए आप? ये भी तो जानना जरूरी है ना। अरे अरे नहीं जान पाए भाई, नहीं जान पाए तो नहीं जान पाए, लगा कर क्यों पहला ये बताओ। हाँ वो भी नहीं जान पाए, आप क्या जान पाए वो बताओ। आप गलत चीज को जानने की, आप बता तो दिया ब्रह्मांड चलाते हैं, अच्छे काम करने चाहिए, बस अच्छे बस, काम करने चाहिए। कैसे जाने ब्रह्मांड चलाते हैं? किसमें लिखा है? कैसे जाने ब्रह्मांड चलाते हैं? कौन से ग्रंथ में लिखा है बताओ?
नहीं, ब्रह्म शक्ति जो है वो ब्रह्मांड का कि जो क्रिएटर हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, तो वो सारी बातें लिखी हुई है, मान लिया। हाँ, शिवा डिस्ट्रॉयर है, मान लिया। चलो अच्छी चीजें क्या सिखाई आपको आपके किसी ग्रंथ ने, वो ग्रंथ के साथ बता दीजिए। चलो अच्छी चीजें, अच्छी चीजें ये सिखाई हैं, जैसे कि राम जी ने अपनी बीवी को जो है शंकर जी पे रहो, मतलब अरे सर मैं ये बोलने दे, हाँ तो बोलने देंगे तो बोलूंगा ना, पांच जने बात कर रहे हैं। नहीं 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 आप ही बोलिए, अब बस आप बता दीजिए कि आपने अच्छा अच्छा क्या सीखा। अच्छा डॉक्टर नो, एक मिनट रुक जाओ, इनको बोलने दो भैया, बोलने दो। चलो हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इनको ही बोलने दो। जैसे राम जी पांच मिनट आप बात कर लो, ठीक है। राम जी ने अपने पिता का ऑर्डर जो कि उनको सही नहीं लगता होगा वो मान के भी वो 14 साल वन में चले गए, और अपने भाई के प्रति जो है ईमानदारी। अच्छा, और क्या कहते हैं सर, हाँ इस पे एक काउंटर क्वेश्चन सुन लो। अगर किसी का पिता मतलब कोई गलत डिसीजन लेता है और वो कोई गलत चीज अपने बच्चे पर थोपता है, और अगर उसको पता है कि ये चीज गलत है, उसके बावजूद अगर वो बाप की बात को मान के जंगल में जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि वो मंदबुद्धि है। एक रैशनल बंदे तो यही कहेगा, ये सवाल ये तो मंदबुद्धि का सवाल, ये तो आपने स्टेटमेंट दे दिया। नहीं तो मेरे से सवाल पूछो ना, तो मैं जवाब दूंगा। आपने सवाल बोल के और डिस्क्लेमर दे दिया। हाँ तो मैं भाई बोल रहा हूँ ना, अगर आज मान लो आपके फादर आपको बोले कि 14 साल वन में रहने चले जाओ, चले जाओगे? मेरी बात सुनो ना सर, आप पूरी सुनी नहीं, 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 नहीं जवाब दो यार, मेरे को जवाब दो। अरे तो जवाब पांच मिनट बोल के पांच सेकंड में बात काट दी, पांच मिनट यार आप अमित जी ने एक मिनट अमित जी ने अभी बोला, पांच मिनट जी ने बोला, पांच मिनट बोलो अमोल सर, एक पांच मिनट अमोल सर, एक मिनट अमोल सर, एक मिनट अमोल सर, एक मिनट। अरे भाई मैं आपको पांच नहीं 10 मिनट बोलने दूंगा, लेकिन आपने जो अच्छाई ऐसी बताई कि वो अच्छाई है ही नहीं ना, तो इसलिए काउंटर क्वेश्चन बनता है ना, आप जवाब दे दो, आपको 10 मिनट बोलने दूंगा। तो मैं काउंटर क्वेश्चन का जवाब देता हूं, के लिए नहीं मेरे पे अप्लाई मत करो, भगवान की बात है, इंसानों पे जवाब है ना, मैं जवाब दूंगा भगवान की बात है, पहली बात तो इंसानों में अभी मैंने ये बात शुरू में क्लियर कर दी, क्यों नहीं इंसान नहीं फॉलो मेरी बात, तो मेरे ऊपर कि मेरे ऊपर क्यों अप्लाई कर रहे हो सर ये चीजें? अरे जब ये अच्छा गुण है तो आप अपने बाप की बात नहीं मानोगे यार, अच्छा गुण है ये। नहीं एग्जैक्टली वही सेम 14 साल वन वो वाली चीजें क्यों ला रहे हो, अगर वैसी कोई बात होगी तो मानेंगे। और उनका बाप जो दशरथ, उनका 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 एक मिनट, उनके जो पिताजी थे दशरथ, वो अयोध्या के उस टाइम पे राजा थे, तो उन्होंने वो राजा तो ऑर्डर दे सकता है ना बाहर जाने का, तो उन्होंने पुत्र धर्म का पालन किया पूरा पूरा। आप उसको गलत तरीके से मेरे ऊपर थोप के, मैं बोलूंगा नहीं हाँ आप वो अप्लाई करवाना चाह रहे हो, और ये देखो भाई ये देखो ये गलत तरीका, हाँ नाम जवाब दो, ये क्या यहाँ पे एमसीक्यू चल रहा है? अच्छा अभी अभी ये अच्छा तरीका था, अब गलत तरीका होगा, लो ये लो इनका बदलना देखो, ये किस तरीके से चीजों को पेश करते हैं यार। मतलब पहली बात तो सुनो, पहली बात तो ये अमित जी ने बोला पांच मिनट बोलेगा, तो आपने पांच सेकंड में टोका, उसके बाद आप सवाल पूछ रहे हो, उसके बाद कह रहे हो हाँ या ना, जवाब दो भाई। भाई मैं चीज बोली नहीं, नहीं बोल रहा, चीज बोली नहीं, गलत चीज है ना ये, बिल्कुल गलत चीज है भाई। अरे यार आप बोलने नहीं दोगे ना, ये तो आपको पता है, बोलने तो नहीं देना है। बोलो बोलो प्लीज, चलो बोलो बोलो चलो आप, और बोलो, दूसरी बोलो, बात के छोटे, दूसरी बात के छोटे भाई ने अपने किसी भी मतलब अपने परिवार का, अपनी बीवी का, किसी की वो परवाह ना करते हुए अपने बड़े भाई का साथ दिया, वो उनके साथ घर चले गए। उसके बाद उनका जो भरत जी थे, वनवास चले गए घर नहीं, अरे मतलब हाँ सॉरी वनवास चले गए। उनके बाद जो भरत जी थे, उन्होंने उनकी चरण पादुका खड़ाऊ रख के उस शासन किया, क्योंकि उनको पता था मेरा भाई इसकी जगह ले सकता है। अच्छा ठीक है, तो ये सारी चीज, और उनके बाद वो वन में रहे भरत जी इतने टाइम तक। हाँ उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं कि सुग्रीव जी को उनका उनके उनका जो भाई था जो उनपे गलत तरीके से उनका राजपाट ले रहा था, उस उनको उन्होंने वहां पे न्याय दिलाया। हाँ बाली सर छुपके क्यों मारा, छुपके क्यों मारा उसमें? क्योंकि उसको एक वरदान मिला हुआ था, ताकि उस वरदान की लाज भी रहे और वो मरे भी, क्योंकि वो सामने आ जाते तो भगवान की शक्ति तो अनंत है, तो अनंत की जो उसके पास शक्ति आ जाती तो उसका कोई डेफिनेशन होता नहीं, तो भी वो मरता, लेकिन उस टाइम पे वो जो उसको वरदान मिला था उसकी बेइज्जती हो जाती, इसलिए छुप के मारा। आप बोलिए ना सर, आपको पूरा बोलने का मौका दिए ना, अब मेरे को आप एक बात बताओ, शंभू को क्यों मारे ये भी बता देते। सर शंभूक वाला मैं मानता नहीं हूँ, सही बात है, मैं मानता हूँ शबरी जी वाला। शबरी जी वाला क्या है?
कि उनके फल उनके घर में गए थे, उनसे मिले, फल खाए। आप अपने हिसाब से करोगे ना सब कुछ यार, यही तो प्रॉब्लम है। झूठे भी खाए क्या? हाँ, तो मतलब आप करने नहीं दोगे ना, आप हाय नाम ही फंसा के रखोगे और बेइज्जती करोगे धर्म की। क्यों, जो लिखा है वो नहीं मानोगे ना आपको? मैंने शुरू में कह दिया मैनिपुलेटेड होते हैं, इतना पुराना धर्म है ये। वैसे रामानंद सागर की रामायण है या वाल्मीकि जी की? नहीं, तुलसीदास जी की भी है, वाल्मीकि जी की भी है। आपने पढ़ी है वाल्मीकि जी की? जी। अच्छा ठीक, अब शुरू हो जाओ एक एक पॉइंट पे। अच्छा एक, एक अब अभी एक एक सेकंड सर, अब आपको पूरा बोलने का हमने मौका दिया, आप नाराज मत हो, हम कोई धर्म का ना बुराई नहीं कर रहे, ठीक है? जो धर्म की बात है वही बता रहे हैं। आप मेरे को ये बताओ भाई, आपके जो धार्मिक शास्त्र उनको तो आप सही मानते होगे ना? जरूर 100% नहीं मानता सर, क्योंकि बहुत पुराना धर्म है तो चीजें लोग अपने अपने मतलब के लिए उसमें। अच्छा मेरे को ये बताओ, चलो ठीक है, आप मेरे को ये बताओ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में तीनों में बड़ा कौन है? कोई ऐसा तो सर मेरे को पता नहीं, कोई ऐसा बड़ा छोटा बराबर है? हाँ सर। चलो स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी, एक और चीज निकालो, किसने किसको पैदा किया। अच्छा तो भाई ये देखिए, ये सौर पुराण में आ रहा है ना, सौर पुराण अध्याय 40 में, जो मनुष्य शिव जी के समान, आप ना यूडिकॉन भाई देखिए बिना नाराज हुए गौर से सुनना, क्योंकि ये आपके भविष्य को तय करेगी ये बात। आपने कहा कि भगवान शिव और विष्णु एक समान है, ठीक है? सौर पुराण अध्याय 40 से पढ़ रहा हूं, जो मनुष्य इस शिव के समान विष्णु को देखता है वह शिव के समान ब्रह्मा आदि देवताओं को बताता है। आपने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश एक समान है, वह पापी है, हिंदू धर्म के हिसाब से आप पापी हो ना, सौर पुराण कह रही है। उसे देखकर कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए, अगर आपको कोई देख लेगा ना तो आपको उसको जो स्नान करना है ना कपड़ा पहन के कर लेना चाहिए, क्योंकि कपड़ा भी गंदा हो जाएगा। विष्णु शिव जी का दास है, यह श्रुति स्मृति पुराणों का सिद्धांत है। इंद्र आदि सभी देवता शिव जी के नौकर हैं। जो मनुष्य विष्णु ब्रह्मा आदि को शिव जी के समान कहता है वह 60,000 साल तक मरकर पखाने यानी टट्टी का कीड़ा बनेगा। आपके बारे में कहा गया है, आपने बोला ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक समान, तो सौर पुराण कह रहा है कि आपने कह दिया है ना ऐसा, तो आप 60,000 साल तक आप टट्टी का कीड़ा बनोगे। सॉरी भाई, मैं आपको बस आपको बता रहा था क्या होने वाला है बस। मैं गलत मानता हूँ ना सर इसको, ये झूठ बात है, किसी शिव जी के भक्त ने अपना तो क्या करना है, बस हो गया, बनोगे आप? नहीं बनूंगा तो कोई आपके सामने तो लिखा नहीं ना किसी ने, आप कैसे उसकी ऑथेंटिसिटी जज कर रहे? अरे भाई वाल्मीकि रामायण को, अमित जी ये वाल्मीकि रामायण को पढ़े है मानते है तो वहां के निकाले ना, गोल गोल ताड़फल निकाली। अरे ये वो चीज नहीं मानेंगे, हाँ इन्हीं से पढ़वा लेंगे, चलो निकाल दो। बस ये सेलेक्टिव चीजों को मानते हैं ना, बिल्कुल सर सेलेक्टिव ही मानेंगे ना, जो इंसानियत के साथ होगी उस चीज को मानेंगे ना। मतलब अब कोई अगर रामायण पढ़ के, अब कोई नहीं, अब कोई अगर रामायण पढ़ के रावण से इंस्पायर होकर किसी का किडनैपिंग कर रहा है तो वो तो मैं नहीं मानूंगा, अब वो उसकी मानसिक अपनी प्रॉब्लम है। मानते हैं रामायण से तो मानते हैं ना, नहीं तो राम जी अच्छे अच्छे नहीं इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो अच्छी इंसानियत की तरफ ले जा रहे हैं, रावण को तो नहीं इंस्पायर होते ना रावण से, वो भी तो रामायण का ही पार्ट है ना, तो किससे इंस्पायर होना, ये तो आदमी के हाथ में है। चलो उनके बारे में जो अच्छा अच्छा लिखा है वही मानना है, बाकी का नहीं मानना है। हाँ रावण के बारे में भी अच्छा 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 जो लिखा है वही मानते कि वो विद्वान था और ये सारी चीजें लक्ष्मण जी को राम जी ने। मैं आपसे पूछे भाई, मैं यार आपसे पूछा था तो आप जवाब नहीं दिया, अच्छा लिखा था ना कि 14 साल के लिए भेज दिए थे, अगर आपके फादर कोई ऐसा किसी से प्रतिज्ञा करके आ जाए। नहीं सवाल कर रहे हैं सर, आप आज की दुनिया में वो त्रेता युग का सवाल आप आज की दुनिया में मतलब वो बोलना चाह रहे हैं, आप मान रहे हैं वो अनरियलिस्टिक था, मतलब वो अनरियलिस्टिक था ना, भगवान वो भगवान थे उनके लिए अनरियलिस्टिक नहीं था। करे तीसरी बीवी को वचन दे कि भाई तेरे बच्चे को करूंगा, तीनों के फिर तीनों को गर्भवती करने के लिए अश्वमेध क्यों किया, एक को ही करना था, और फिर चुपचाप राम का राज्याभिषेक करने की क्या जरूरत थी भरत को अपने नवनिहाल भेज के। नहीं तो ये तीन तीन शादियों वाला कंसेप्ट तो राम जी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, एक शादी करके सबकी एक एक शादी हुई है, तो वो चीज तो उन्होंने अपने बाप की महिमा में गलत साबित शादी की थी। उस एक मिनट, कृष्ण कितना किए थे?
कृष्ण वो जो आप बता रहे हो 16008 उसका कंसेप्ट दूसरा है सर, वो किसी राक्षस से उनको बचाया था और उनको कोई शादी करने के लिए तो ये तो सर, ये तो सर ये कौन है रॉक्सी जी, आप मिलो जब बात कर लेना कि क्या बना लेता क्या नहीं। वो बहन बना लेते तो आप कहते शादी कर लेता, कुछ भी कह दो वो बहन बना लेते तो कहते शादी। अच्छा तो बस सुन ले बात है, कल भाई तू गया था अपना साईं जनी साहब के पास, साईं जनी साहब ने आपको 1,00,000 रुपए का बोला था कि अगर आप शबरी के झूठे बेर वाला जो है ना अगर आप प्रूव कर दो। अब आप देखो कितने बेशर्म हो, वही एग्जांपल यहाँ पे दोबारा दे रहे हो, आपको पता है भी गलत है तो आप बेशर्म। अरे सर सिद्धार्थ एक मिनट आपको जवाब दूं, तुलसीदास रामायण में आपको दिखा दूं वो घर उनके घर में गए थे फल खाए थे झूठे बेर वाली बात थी। हाँ नहीं तो झूठे बेर वाली थी वहां पे बात। एक मिनट साईं जनी को तो जवाब दे नहीं पाए आप। एक मिनट मैं आपको जवाब देता हूँ ना, आप सुन लो ना जवाब। आगे क्या 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 पता। अरे सर वो म्यूट कर रहे थे, म्यूट कर रहे थे, आप बात सुन लो ना। अच्छा चल ठीक है बताओ बताओ क्या ले। मैं बात कर रहा था कुल मिला के कि मैसेज किससे अच्छा जा रहा है, मैसेज तो किससे नहीं तो ये नहीं तो फिर अपनी किताबें फाड़ के फेंको ना यार, अपनी किताबें फाड़ के फेंक दो जिसमें। अरे भाई गुस्से में क्या, अबे यार तू इतना अजीब आदमी है यार तुम। सर देखो तमीज से बात करो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुम तेरे जैसे आदमी से तमीज से बात नहीं कर सकता। देखो तेरे जैसे आदमी से झूठ बोलते हो आप। सर आपकी वाली लैंग्वेज सबको आती है, मत करो ये बात। ओ गुस्सा दिख रहा है। अरे गुस्सा होता है ना क्योंकि आप झूठ बोलते हो ना, यू आर लाइंग हियर अगेन एंड अगेन। यस्टरडे साइंस जर्नी डिसअप्रूव्ड यू दैट यू आर लाइंग, और फिर वही एग्जांपल आप यहां दोबारा दे रहे हो। भाई अपना एग्जांपल ही बदल लो एक मिनट। और अगर आप कहते हो कि अच्छी अच्छी बातें ही लेनी है तो फिर जो पुरानी पुरानी बातें लिखी है किसी शंकराचार्य के पास जाओ, उसको बोलो यार किताबों को फाड़ दो। पूरी महामंडलेश्वर निश्चलम जो है ना वो कहता है जातिवाद बिल्कुल ठीक है, वो सारा कुछ बोलता है। नहीं एक मिनट रुक जाओ यार, आप उसकी बात क्यों सुन रहे हो? खुदा तो आप भी नहीं हो ना फिर, खुदा तो आप भी नहीं हो। आपकी बात नहीं, अगर दो आदमी बैठे हो, आप बैठे हो, वो निशल अंदर बैठे हो, तो किसकी लोग बात सुनेंगे? आप ही सुनेंगे कि निशल की बात सुनेंगे? आप क्या बात कर रहे हो यार यहाँ पे आके? थोड़ा यार देखिए, आप अगर कहते हो ना कि अच्छी अच्छी बातें लेनी, तो अच्छी अच्छी बातों में जातिवाद सबसे बुरी बात है। आपके किसी भी गुरु ने, किसी भी आपकी धार्मिक किताब ने किसी को भी जातिवाद से अलग करने की कोशिश की है? आप एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे। सर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, रॉक्सी जी आप मेरे को एक मिनट दें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो कंटिन्यूअसली बोलेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा। बोलिए। मैं पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि जो ज्यादातर लोग समझदार हैं और समझदार इंसान उन किताबों में से अच्छी चीज ही लेगा, बुरी चीज रिजेक्ट कर देगा। मेरे से भी जब उन्होंने एक मिनट रुके सर, कितने परसेंट है समझदार लोग, कितने परसेंट है समझदार लोग? सर बोलने दें मेरे को। नहीं सर कितने परसेंट है समझदार लोग, आपने कोई डेटा किया है, कोई ऐसी हुई है, कोई सर्वे हुआ है? जनरल नहीं, सर्वे तो नहीं हो रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। और नहीं तो जनरल स्टेटमेंट में तो मैं ये भी कह रहा हूँ ना, एक मिनट रुके, जनरल स्टेटमेंट में तो आप शेड्यूल कास्ट आदमी, मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, आप शेड्यूल कास्ट आदमी के 100 के 100 बंदे, मैं कहता हूँ कोई शेड्यूल कास्ट आदमी ने जिसने आज तक जातिवाद जाति भेदभाव ना सहा हो तो इसका क्या मतलब करें हम? इसका मतलब आप में से कोई भी समझदार नहीं है ये करें हम? नहीं नहीं वो तो लोगों ने गलत किया होगा, मैं मानता हूँ, अपनी फायदा उठाते हैं कहीं जहाँ पे उनकी चल पाती है वहां पे, उसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ ना सर मैं। अरे सर भाई अगर आप खिलाफ हो नहीं, अच्छा ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हो और आप ये कह रहे हो भी आ जाना यार, पंडित जी भी हैं नहीं, एक मिनट सर, ये बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और आड़ी को जिस तरह से शिवजी ने मारा उसका आप कहते हो वो उनकी कोई लीला होगी। भाई यार कैसी लीला है ये, अभी लीला है नीला है पीला है क्या है ये? अरे भाई आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो, रियल ह्यूमैनिटी की बात करते हो? अब आप ह्यूमैनिटी की बात, अच्छा जो औरतों के सामने अपना लिंग हाथ में लेके निकल गया वो ह्यूमैनिटी है सर? भगवानों पे जा रहे हैं, इंसानों की बात करो ना आप, इंसानों की बात करो ना। हाँ यार ये तो बात सही है वैसे, ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। आपके कुछ भी करें मतलब भगवान आपके कुछ भी करें है ही अश्लील है ना यार, वो तो है ही। देखो आप वो कुछ भी करें मेरे से आप उसका जवाब मांगोगे, मेरे पास मैं आपको उसका कोई जवाब दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं हूं। अरे यार समझता नहीं, अरे यार ऐसे कैसे कुछ करें यार, किसी के साथ ये बनती है मेरी ड्यूटी, ये बनती है उनकी लीला से अच्छी चीज ग्रहण करो, बाकी चीज उन पे छोड़ दो बात। तो यार फिर ऐसा करो ना आप, उन्हीं की लीला ठीक है, सीरियल किलर से सर मैं इनसे पूछता हूँ, इनको कोई अगर एक गिलास दूध दे और उसमें एक ड्रॉप जहर की डाल दो और फिर कहें कि भाई आप पूरा गिलास का दूध पी जाओ और वो एक ड्रॉप जहर छोड़ देना, पी लोगे भाई? वो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है, कैसे ये तो पॉसिबल फिर ये कैसे भाई? आप ब्राह्मण हो? नहीं आप ब्राह्मण हो? नहीं एक मिनट सर, आप ब्राह्मण तो नहीं हूँ, मैं जनरल हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। नहीं जनरल में क्या हो आप? मैं सर राजपूत हूँ।
हाँ राजपूत हो ना सर, जो घोड़ी पे बैठते हैं दलितों को निकाला जाता है, आपने उन राजपूतों से कभी बात की जाके? आप यहाँ पे आपने भाषण देने क्या? सर एक मिनट, ये पहली बात तो मेरे सामने कभी आज तक हुआ नहीं। मैंने हाँ तो नहीं नहीं, नहीं आपने न्यूज में पढ़ा ना, तो आप ऐसा करो ना, अपना अपना धर्म निभाओ ना। एक मिनट सर, आप अपना धर्म निभाओ ना, राजपूतों का धर्म निभाओ। अगर कोई ऐसा धर्म है ना तो राजपूतों को जाके पकड़ो सर आप। सर एक मिनट मेरी बात सुन ले। मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उसमें और अच्छा है, एक चलो अगर आप रियलिस्टिक बात करते हो सर, ये तो सबसे बड़ी बात है ना। एक सेकंड, मेरे ऐसे दोस्त, अगर आप रियलिस्टिक बात कर रहे हैं तो फिर राजपूत कैसे यार? रियलिस्टिक बात करते हो तो फिर राजपूत कैसे यार? आपके पिता राजा हैं, आपके फादर राजा हैं, आपके फादर राजा हैं यार। पहले मैं नहीं, उनकी तो अरे एक एक करके दोनों जवाब दो। सवाल करोगे तो मैं पहले उनका दे दूंगा, आपको देता हूँ ना जवाब, ठीक है? दो दोस्त एसटी हैं, एक दोस्त एससी है। बचपन से वो मतलब बचपन से दोस्त है, कभी हमने भेदभाव ना किया, ना हमारे सामने किसी ने किसी को हमने करने दिया। वैसे तो कोई करता ही नहीं है, मैंने जहां तक मेरे सामने तो कभी होने नहीं दिया और ना मैंने किया। तो आप सबको ब्लैंकेट टारगेट क्यों कर रहे हो कि भैया सभी जनरल ऐसे? आप नहीं कह सकते ना, उन लोगों का कहना चाहिए। अरे यार नहीं, जब ना सर, हाँ हाइपर एक्टिव जी, देखें पता क्या है, मैं वैसे तो मैं कोई और दोस्ती तो ना करा होता ऐसा, तो आप भी जानते हैं। अरे भाई सुन ले मेरी बात, कोई बात नहीं यूडिकॉर्न जी, आप लगे रहना, कोई बात नहीं। मैं वैसे कोई और बात करने आया था, बीच में आ गए मुझे तो। देखें यूडिकॉर्न जी, आपने कल एक एग्जांपल, देखें मैं क्यों कहता हूं कि आप इन डिसऑनेस्ट बंदे हैं ना, इसलिए कहता हूं क्योंकि कल आपको साइंस जर्नी साहब ने कहा था कि ये बात झूठी है, ठीक है? देखिये मेरी बात पूरी सुन लेना आप, और उन्होंने प्रूव करके दिया कि ये बात झूठी है, ना वाल्मीकि रामायण में लिखी, ना ही तुलसीदास की रामायण में लिखी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपने एक सेकंड प्लेटफॉर्म चुना और वहां पे ही आपने वो झूठी बात कह दी। व्हाई डोंट यू गो विद द ट्रुथ? अच्छा ये स्ट्रीम करके दिखा सकते हैं कि मैंने कहा शबरी के झूठे बेर खाए? आप दिखा सकते हैं ये बात? क्या बोले? मैंने अभी ये कहा आज की स्ट्रीम में कि शबरी के झूठे बेर खाए हैं, ये आप दिखा सकते हैं? तो आपने शबरी का क्या एग्जांपल दिया आज? मैंने कहा कि उनके घर में गए थे, फल खाए थे, तुलसीदास रामायण में ही लिखा हुआ है। एक मिनट, तो ये तो आपको बात साईं सरनी ने बताई ना? नहीं मैं आपको सर एक्चुअली में देखो, मेरे को जो सिखाया गया तो, है ना आपको एक... तो साइंस करने के लिए नहीं, आपको अपने आप से तो ये बात नहीं बताती, ये तो आपको साइंस करने ने बताई। नहीं नहीं नहीं, आपको कौन सी बात? अरे कल आपने साइंस करने के पास कौन सा एग्जांपल दिया था? झूठे बेर का एग्जांपल दिया था ना? आप बात तो सुन लें, मैंने कल ये नहीं कहा कि रामायण में ये लिखा हुआ है। मैंने ये कहा था कि आप वो वाला इंसिडेंट क्यों नहीं बताते हैं लोगों को, वो वाला इंसिडेंट क्यों छुपा जाते हैं आप? मैंने ये कहा था। हाँ तो फिर भाई अगर वो इंसिडेंट नहीं छुपाना चाहिए तो शंभू वाली हत्या का इंसिडेंट क्यों छुपाना जाना चाहिए? उसके पीछे क्या लॉजिक है? मैंने भी नहीं बोला कि नहीं छुपाना चाहिए। यार अभी तो आप कह रहे हो कि अच्छी अच्छी चीजें ले लो और बुरी बुरी चीजें मत लो। अभी अभी फिर आप अपने स्टेटमेंट से उससे बुराई फैल रही है। हाँ उससे सर, उससे तो बुराई फैलेगी ना, अब क्या करें सर? देखे ना नहीं, देखे ना यूडिकॉर्न साहब ऐसा है ना, देखे आपको आपकी आपका फंडा क्या है ना, देखें आप आते हो रैशनल्स के पास, उनको ये बातें बातें बताते हो, हम तो आपकी बातें मान गए। अब क्या है ना, अब आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप ऐसे चैनल्स पे जाएं जहां पे सारा दिन वो जातिवाद को जस्टिफाई करते हैं, उनसे सवाल करें जाके। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं सर, निश्चल अंदर ना, वो पूरी महामंडलेश्वर जो है ना, वो खुदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, खुदा नहीं है वो, ना ही आप खुदा हो। लेकिन आप ऐसा करिए, उसके पास जाइए, उसको बोलिए कि आपको नहीं पता जातिवाद बुरी चीज है। वो कहता है जातिवाद ठीक चीज है, वो कहता है अंतर जातीय विवाह अवैधिक है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप आते हो हमारे पास, भाई हम तो जो भी ह्यूमनिस्ट बात होगी हम उसके साथ एग्री करते हैं। नहीं, अंतर जातीय विवाह की डेफिनेशन क्या है? मतलब राजपूत ब्राह्मण से नहीं कर सकता, ये भी उसमें आता है क्या? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। वो तो जनरल, दोनों जनरल ही है, मैं इसलिए तो यार ये क्या पढ़ा भाई, इसको कुछ नहीं पता यार, इस बंदे को मैं बता रहा हूं क्या पढ़ा है भाई यार। अरे अंतर जाति का मतलब आप क्या कैटेगरी में बोल रहे हो? अरे भाई अपनी कास्ट में हां भाई, वर्ण शंकर भी होता है, वर्ण शंकर। चले अमित सर, आप पहले तो इनसे ही है सर, इनसे थोड़ा मैं ये पूछ रहता हूँ भाई, 30 सेकंड देना। ये राजपूत कैसे हैं? ये रियलिस्टिक बात करते हैं तो ये राजपूत कैसे हैं, पहले ये बताओ भाई। आपके आपके पिताजी क्या राजा हैं? नहीं नहीं, मेरे मतलब फोरफादर्स रहे थे, राजा नहीं चुंडावत रहे थे वो चौहान के टाइम रहे थे भाई, रहे थे, लेकिन आज नहीं है ना। तो आज तो आप गढ़पूत हो गए भाई, आज ये गणतांत्रिक देश है तो आपको राजपूत हटा लेना चाहिए ना, क्योंकि आप रियलिस्टिक हैं। रखा है ना सर, बस वो सरनेम बना रखा है। अरे क्यों बना रखा है ना, आप रियलिस्टिक हैं, आप गढ़पूत लगाओ ना आप यार, ये गणतांत्रिक देश है। उसके लिए सरकार से मैं क्यों करूँ बात भाई,
रियलिस्टिक आप हो ना भाई, आप वो चीजें आप बदल रहे हो ना चीजों को, आप अपने हिसाब से चला रहे हो तो चलाओ ना फिर। मैंने कहा कुछ वाल्मीकि रामायण पढ़वा, चलो वो ही पढ़वाते हैं, निकालो सर। अच्छा भैया सुनो यार, ये वाल्मीकि रामायण पढ़ना अपना। हाँ ये बढ़िया वाली बात है, सही बात है, ये पढ़ाओ। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि भाई कुछ बात भी ना रहे किसी में कि मैं क्या पढ़ा दिया। ये देखो वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। इसमें मैं आपको देखिए, रावण जो है ना वो सीता का हरण करने आया है, ठीक है। हाँ जी, आप ही पढ़ो ना भाई, हम नहीं पढ़ते, आप पढ़ो। चलो आपको पूरा टाइम हम देख रहे हैं, हम दे रहे हैं। चलिए यहाँ से पढ़ना चालू कीजिए। सर आप ही पढ़ दो मेरा, मैंने क्या हो गया, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ना अच्छा लगा आपको? नहीं नहीं, किस कई बातों के चार मतलब भी निकलते, तो आप मेरे को सीधे सीधे बता दो ना, मैं समझ नहीं रहा। नहीं, इसमें आप पढ़ के एक मिनट सुनो ना, आपके पास पूरा टाइम है। तो सर हिंदुइज्म में कोई भी स्क्रिप्चर वर्ड टू वर्ड लिटरली फॉलो नहीं होता है। आप एक मिनट मेरी बात को तो सुन लो भाई मेरे। आपके पास पूरा टाइम है, इसको आप पढ़ लो, इससे आपको क्या समझ में आता है वो हमको बता दो। ये देखो यहाँ से शुरू करो आप, यहाँ से चालू करो। तुम्हारे दांत बराबर हैं उनके, अब अग्रभाग कुंद की कालियों के समान शोभा पाते हैं। वे सबके एक मिनट, वे सब के सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। तुम्हारे दोनों कोये लाल हैं और पुतलियां काली हैं। कटिका अग्रभाग विशाल है, मांसल है। दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगलभ मोटे और उठे हुए मुखवाले कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। ऐसा पूरा पढ़वाओगे क्या सर? ये देखो ना, ये पढ़ो ना, यहाँ एक लाइन और पढ़ो। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। केश चिकने और मनोहर हैं। दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी देवता गंधर्व यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। कहां तो तुम्हारा ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर कुमारता और नई अवस्था। और चलो ये तो आप पढ़ लिए ना, ये बताओ। हाँ, ये वाल्मीकि रामायण है ना जी? तो यार ये सीता के बारे में वाल्मीकि किस तरह की बात कर रहे हैं? तुम्हारे स्तन पुष्ट है, ताड़ फल के समान है। अब आ गए आप उसी बात में। मैंने कहा मैं सर हर देखो क्या आ है उसी बात हर चीज को मैं दोनों मानेंगे नहीं भाई, नहीं ये नहीं मानेंगे ना। नहीं क्या इसमें कोई सेंस ही नहीं है ना इनसे बात करने का। मजाक नहीं, इसका मजाक बनाऊं ये चाह रहे हो? नहीं, क्या है बता दो बस। नहीं नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। एक राक्षस अपनी 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 सोच से जो एक लड़की के बारे में सोच सकता है वो बता रहे हैं कि ये ऐसा सोचता था। अच्छा, से तो गंदा गंदा ही सोचेगा ना सर। हाँ पर सीता जी क्या कर रही थी उसको? अब ये तो इसमें पढ़ाया नहीं मैंने। नहीं और ठीक है अब ये तो राक्षस है, अब थोड़ा आगे निकाल दें। वो मैं पीडीएफ दिया था वो नहीं है क्या आपके पास? वो खोल दो डायरेक्ट, इसी में से निकाल, इसमें ढूंढ। हनुमान जी का भी निकाल लीजिए। हाँ हनुमान का भी निकाल लो भैया, वो तो राक्षस नहीं था। हनुमान जी भाई राक्षस नहीं थे यार, सूरज खाते थे। ब्लैक होल। हाँ भाई राम जी, तो मतलब वाह वाह राम जी ये बोल रहे हैं कि
हनुमान अपना सीता जी के स्तन ताड़फल समान थे, वो कुछ नहीं होता बोल रहे हैं ना। वाल्मीकि को कैसे पता चला? हाँ ये तो बड़ी गंभीर बात है। कौन सुन रहा था? वाल्मीकि मतलब यही सुनते थे, देखते थे, ताड़ते थे। सर आप बोल के बता दो क्या बताना चाह रहे हो। स्क्रिप्चर्स में वैसे भी इनको ज्यादा अच्छी तरह कंसिडर नहीं करता हूँ, आप इनमें से क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या हो भाई फिर आप? कुछ नहीं सर, मैंने बोला ना जो मैसेज लेना था वो मैं पढ़ के एक बार ले चुका हूँ, मैं बार बार इनको वर्ड टू वर्ड फॉलो नहीं करता हूँ। एक मिनट आप यही बात तो ओसामा बिन लादेन को भी कह सकते ना, उससे हम अच्छे चीज लेंगे बुरे छोड़ देंगे। ये जो कन्हैयालाल का मर्डर किया था दो लोगों ने, उनसे भी ये बात बोल सकते हो तो अच्छा हम ले लेंगे बुरा छोड़ देंगे। अगर उन्होंने अच्छा कुछ, अगर उन्होंने जिंदगी में कुछ अच्छा किया होगा तो वो चीज हमें तो वही ले लो ना, तो वो कुनियों से भी सीखो ना, फिर आप उनको सपोर्ट करो कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे काम किए हैं, बुरा छोड़ दो। नहीं ना उसके बारे में जानते नहीं ना, अगर वो मान लो कि खूनी है, एक मिनट, वो जो खूनी जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर वो कहीं पे जकात देता होगा, कोई एनजीओ चलाता होगा, तो वो चीज तो मैं उस चीज से तो इंस्पायर होऊंगा ना कि वो चला। अच्छा तो उनका बुरा छोड़ दे, अब उनको अब न्यायालय उनको छोड़ दे, उनको बोल दे कि आप कोई गलत काम नहीं किया, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। ना सर छोड़े, सिर्फ उनको पूछना भी शुरू करें ना, इनके लॉजिक के हिसाब से नहीं, मंदिर बना देते हैं, कह रहे हैं कि गलत काम नहीं किया, अभी आपने बोला खूनी है और कह दिया गलत काम नहीं किया। अच्छा तो अब जो खून किया उसको सजा मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे तो इतना गंद है ना, इसको क्यों सजा नहीं मिलनी चाहिए फिर? यहाँ पे आप क्यों बायस्ड हो? आप सिर्फ यहाँ पे अच्छे क्यों लेते हो, बुरा का भी कंसीडर करो फिर। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। अरे वो तो मैंने भी उसके लिए भी तो बोला ना कि मैं तो उससे भी अच्छी चीज लेने को बोला, खूनी वाली चीज मैंने अभी आपको ज़कात वाला एग्जांपल दिया। देखो भाई यहाँ पे ना अभी अमित भाई ने आपको खोल के दिखाया कि यहाँ पे रेप होने की बात हो रही है, आप कुछ भी नहीं बोले, आप बोल रहे उनसे अच्छा लो। हाँ, तो यही बात हाँ, हर एक रेपिस्ट पे भी अप्लाई करो ना फिर। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, पहले तो आप ये समझे कि आप वो खूनी को कंपेयर कर रहे हैं भगवानों से, तो अरे भाई कैसा यार इनके भगवान, यार कैसा भगवान, यार कौन भगवान जब इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। रेप करने के बारे में बात कर रहे हैं भाई, तुम्हारा भगवान। चलो भाई इनके इनके लिए गाड़ी को मर्डर भी कर दिया भाई, ये मानने के लिए तैयार नहीं है, फालतू में इनके साथ समय वेस्ट करने का कोई टाइम कोई मतलब नहीं।